हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा लाल डोरा स्कीम और लाल डोरा की जो प्रॉपर्टी है उनका क्या चल रहा है, उन्हें कैसे प्रमाण पत्र मिल रहा है, कैसे उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस बारे में जो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्कीम चलाई थी लाल डोरा मुक्त अभियान की, और जो लाल डोरा की प्रॉपर्टी हैं उन पर मालिका हक देने की स्वामित्व योजना जो ये थी, ये बहुत अच्छी योजना है। इसे लाखों लोग हरियाणा के फ़ायदा ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इससे वंचित हैं, इनका उन्हें फ़ायदा नहीं मिला है अभी तक। तो ऐसे जो ग्रामीण हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए 31 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जो इसमें प्रॉपर्टी में आने वाले जो लोग हैं, जिनको अभी तक जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, जिनका प्रमाण पत्र नहीं मिला है या जिनका अपडेट नहीं हुआ है, वो भी पोर्टल पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं और ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हरियाणा सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसके तहत 31 तारीख तक का समय दिया गया है। जिन ग्रामीणों की या जिन लाल डोरा में रहने वाले लोगों के उनके मकान का संपत्ति कार्ड उनको नहीं मिला है या फिर पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं है, अगर वो चेक कर रहे हैं पोर्टल पे तो उनका विवरण नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपना नाम, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस, पूरा विवरण तैयार करके अप्लाई करना होगा। एक ईमेल भेजना होगा। क्या कहाँ ईमेल भेजना है, उसमें है apply@swamitva.hrwi.gov.in। ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप अपने जो लाल डोरा की जो ज़मीन है उस पे उसका विवरण भेज सकते हैं। ये वही लोग भेजें जिनका विवरण पोर्टल पर नहीं है, किसी भी कारण हो सकता है जिनका पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। तो ऐसे लोग, ऐसे ग्रामीण जिनकी ज़मीन लाल डोरा के अंदर आती है, जिनका मकान, वो अपना इस पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे भेज के अपना विवरण दर्ज करा सकते हैं, उनको भी कार्ड मिल जाएगा, संपत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। भविष्य में जो भी रजिस्ट्री, जो भी खरीद बेच होगी उसी से होगी, लोन भी उसी से मिलेगा। इसके अलावा कोई वैलिड प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, यही एक वैलिड प्रमाण पत्र माना जाएगा जिसका भविष्य में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने, वो पोर्टल है property.edisha.gov.in। इस पे जाके हम चेक कर सकते हैं, अपना लॉगिन कर सकते हैं, उसमें हमारा विवरण है या नहीं है ये पता चल जाएगा। इसके बाद हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल भेजने का एक बार एड्रेस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, apply-4-swamitva@hrwi.gov.in। ये ईमेल आईडी रहेगी, apply-4-swamitva@hrwi.gov.in। इस पे जाकर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा, कॉन्टेक्ट अस 9355500009, 9643971000, 7650027000, www.pradhangroup.com। नमस्कार। आपसे जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं, उस लेंस से मरीज का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा
विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें।